मेरा गांव घर डुमरी पड़ता है, यहाँ दीदी आलू रोपते हैं, टमाटर रोपते हैं और मिर्च भी लगाते हैं, और हम VRP के माध्यम से दीदी को तकनीकी बताते हैं। जो दीदी तकनीकों को पहले नहीं जानती थी और तकनीकी के जानकारी होते हुए किसान का जैसे 1 रुपया खाद लाते थे, 4 आना के खाद लाते हैं और 12 आना बचा रहे हैं और अपने बच्चे के अच्छा स्कूल में भेज रहे हैं। भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने के लिए शुरू की गई। महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं जो एक दूसरे से सीखती हैं और सहायता करती हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस का एक बहुत बड़ा दल भी तैयार किया जाता है। डिजिटल ग्रीन खेती संबंधित तकनीकों को वीडियो द्वारा किसानों तक पहुंचाता है और ये जो वीडियो दिखाए जाते हैं ये किसान खुद बनाते हैं और फिर गाँव का एक चुना हुआ व्यक्ति ये वीडियो किसानों को दिखाता है। ग्रामीण लोगों तक पहुंचने का पारंपरिक तरीका रहा है कि आप सबसे एक एक करके मिलें, जिसमें बहुत समय जाता है और संदेश भी थोड़ा बहुत बदल जाता था, पर अब वीडियो होने से सबको एक ही संदेश मिलता है। जो लोग वीडियो में दिखते हैं वो उनके आसपास के ही होते हैं, वो अपने को उनसे जोड़ पाते हैं, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि आज भी वो मुझे रेफर करके बता सकती हैं कि दीदी वो वीडियो में तो हमने ऐसा देखा था, और वो प्रैक्टिकल है। जब बिछड़ा वीडिंग करना था उस टाइम, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो था वो वीडियो में हम लोगों ने दीदी लोन खुद कैप्चर की थी। डिजिटल ग्रीन की अप्रोच स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संस्थापित की गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का एक चुना हुआ समूह वीडियो बनाने में प्रशिक्षित किया जाता है। वो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के साथ काम करते हैं जो हमारी सहभागी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से जुड़े होते हैं। वो वीडियो में दिखाई जाने वाली तकनीकी जानकारी बताते हैं और उनकी मदद से वीडियो बनती है और एडिट होकर सही जानकारी के साथ तैयार हो जाती है। डिजिटल ग्रीन की तकनीकों को अपनाकर हमारे स्टाफ की जानकारी भी बढ़ी है। लेकिन जब डिजिटल ग्रीन के इंटरवेंशन में जुड़ा तो हम लोग एक सिस्टम बना जिसके अनुसार हम लोग एक कितने मेंबर्स हमारे वीडियोस को वो देख रहे हैं, कितने मेंबर्स हमारे उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और देखने के बाद कितने दीदी लोगों ने उस चीज़ों पर अडॉप्ट किया, ये भी एक फॉर्मेट हम लोग का एडॉप्शन आते थे। जीविका की जो कार्य योजना बनती है उसमें भी डिजिटल ग्रीन एक भाग बनता जा रहा है। उपकरणों के लिए जैसे पीको प्रोजेक्टर्स हैं, कैमराज हैं, ट्रेनिंग है, इस सब के लिए जीविका की तरफ से आर्थिक समर्थन है। हमारी कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस के लिए काफ़ी अच्छी प्रणाली पहले से ही स्थापित है और अब इन कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस को पीको प्रोजेक्टर चलाने का प्रशिक्षण भी मिल रहा है। इन कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस का प्रशिक्षण हुआ जिसमें इन्हें समूहों में प्रशिक्षित किया गया, पर कहीं ना कहीं उन्हें प्रशिक्षण में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। अब डिजिटल ग्रीन और NRLM की टीम दोनों राष्ट्रीय व राजकीय लेवल पर मिलकर प्रशिक्षण दे रही हैं। जो वीडियोस बन रहे हैं उनको इन लोगों को विभिन्न विषयों जैसे कि खेती, स्वास्थ्य, पोषण पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ में ही कैसे दूसरे साधनों का प्रयोग करना जैसे कि पीको प्रोजेक्टर चलाना, डेटा रिकॉर्ड करना, समूहों की प्रतिक्रिया लेना वो सिखाया जाता है। डिजिटल ग्रीन प्लेटफॉर्म अब जीविका की कृषि विस्तार नीति का एक भाग बन गया है। हमने जब इस माध्यम के प्रभाव को समझा तो हमने अपनी सारी कार्य योजनाओं में इसे एक अत्यंत प्रभावकारी साधन की तरह सम्मिलित कर लिया। 2012 से अभी तक का पार्टनरशिप के कारण ये वीडियोस के माध्यम से कम्युनिटी जो खुद बनाया है, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनाया गया है, उस वीडियोस को यूज करते हुए लाखों मेंबर्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया गया है। तो वीडियो को बारे में हम लोग पहले कम जानकारी था, ऐसे लोग करते थे, तो अब वीडियो को माध्यम से लोगों में बहुत जागरूक फैल गया है, बहुत महिला जागरूक हो गया और अपने पति को बतलाते हैं तो वो भी बहुत जागरूक हो गया, उसे बहुत लाभ मिला है और आगे बढ़ने का भी बहुत मौका मिला है वीडियो का। टेक्नोलॉजी कृषि विस्तार को कई गुना बेहतर बनाने का तरीका है। ये समुदाय को उनकी वर्तमान परिस्थिति से बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है।
तो यहाँ आपने यह किया है कि आपने ज्ञान जिस तरह से बनता है और फैलता है उसे ही बदल दिया है। यह डिजिटल आदान प्रदान और वीडियो बनाना अब जीवन का एक हिस्सा हो गया है। मेरे हिसाब से एक क्रांति अब शुरू होने वाली है। एक बार जब वह होगा तब हम देखेंगे कि दुनिया भर के करोड़ों किसान कई तकनीकें और टेक्नोलॉजी प्रयोग करने लगेंगे।